चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पर्मियोजेनेसिस के ऊपर, या इसको हम लोग स्पर्मेटोलियोसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने गैमेट फॉर्मेशन में स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोगों ने इसका फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड देख लिया था, यानी पहला फेज जो इसका पहला प्रोसेस था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। देन सेकेंड जो प्रोसेस यहां पर है वो है स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस। यहां पर जो स्पर्मेटिड हैं, जो स्पर्मेटिड फॉर्म हो चुके हैं, उन स्पर्मेटिड्स में क्या होगा, कुछ चेंजेस होगा। और ये चेंजेस कौन कराता है, ये चेंजेस नर्व सेल्स कराती हैं। ठीक है, नर्व सेल्स या सर्टोली सेल्स इनको कहते हैं। ये सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स क्या कराती हैं, इन स्पर्म्स के अंदर चेंजेस करवाती हैं। और ये चेंजेस इस हद तक करवाती हैं कि यहां पर जो स्पर्मेटिड होता है, जो नॉन फंक्शनल नॉन स्ट्रक्चरल जो स्पर्मेटिड होता है, नॉन मूवेबल जो स्पर्मेटिड होता है, ये एक स्ट्रक्चरल फॉर्म ले लेता है, देन मूव करने लगता है, मोटिलिटी भी यहां पर शो करने लगता है। ठीक है, और ये फंक्शनल हो जाता है। तो ये कैसे बनता है उसी प्रोसेस को यहां पर अपन लोग समझेंगे। तो इसके अंतर्गत लिखें, यहां पर स्पर्मियोजेनेसिस के अंतर्गत लिखें, स्पर्मेटिड्स नॉन फंक्शनल व नॉन मोटाइल मेल गैमिट होते हैं, जिन्हें एक्टिव मेल गैमिट। अब ये जो मेल गैमिट एक्टिव वाला है, ये क्या है, स्पर्म कहलाएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो स्पर्मेटिड कैसा है, नॉन एक्टिव है। ये कैसा है, नॉन एक्टिव है। और जो एक्टिव मेल गैमिट होगा वो क्या कहलाएगा, स्पर्म कहलाएगा, दैट इज एक्टिव मेल गैमिट है। ठीक है, तो स्पर्मेटिड से एक्टिव मेल गैमिट में, ठीक है, स्पर्मेटेड से स्पर्म में चेंज होने के लिए जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो क्या लिखा, एक्टिव मेल गैमेट ब्रैकेट में स्पर्म में चेंज या मॉडिफाइड करने के लिए, चेंज या मॉडिफाइड करने के लिए मेनी चेंजेस यानी कि निम्नलिखित परिवर्तन, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जिस क्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस कहते हैं। जिस क्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस कहते हैं। आगे लिखें, इन चेंजेस में मुख्यतः मेनली स्पर्म के हेड व टेल, यानी कि स्पर्म में हेड व टेल का फॉर्मेशन होगा। स्पर्म के हेड व टेल पार्ट का फॉर्मेशन होता है। नेलाइन से लिखे बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में निम्नलिखित प्रकार के स्टेप होते हैं। तो यहां पर जो पहला स्टेप है उसके बारे में समझना है। तो फर्स्ट स्टेप यहां पर जो है इसके विषय में लिख लें फटाफट। फर्स्ट स्टेप में लिखें, स्पर्मेटिड्स को न्यूक्लियस का शेप, या स्पर्मेटिड के लिखो, स्पर्मेटिड के न्यूक्लियस का शेप यानी कि आकार स्फेरिकल होता है,
शेप स्फेरिकल होता है जो कि चेंज होकर लॉन्ग मतलब लंबा व फ्लैट चपटा हो जाता है तथा न्यूक्लियस कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है ये तो पहला स्टेप हो गया। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि जो स्पर्मेटिड होता है इसके अगर आप न्यूक्लियस को देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंतर्गत तो इसका न्यूक्लियस का जो आकार होता है वो स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही जब ये चेंजेस इसके अंदर होते हैं स्पर्म के रूप में या स्पर्म में मॉडिफाइड होने के समय, तो क्या होता है इसका जो न्यूक्लियस होता है सबसे पहले चेंज होकर के किस में परिवर्तित हो जाता है, ये लॉन्ग और फ्लैट हो जाता है। इसका न्यूक्लियस लॉन्ग व फ्लैट फॉर्म में हो जाता है, चेंज हो जाता है। सेकेंड थिंग लिखे यहां पर, स्पर्मेटिड्स का गॉल्गी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनता है। स्पर्मेटिड का गॉल्गी बॉडी एक ग्लाइकोप्रोटीन ग्रेन्यूल्स का सेक्रेशन करता है या करते हैं, एक प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन ग्रेन्यूल्स का सेक्रीशन यानी श्रावण करते हैं जो न्यूक्लियस यानी केंद्रक के साथ अटैच होकर यानी जुड़कर हेड के एंटीरियर एंड पर यानी कि अगले सिरे पर, जो इसका हेड है उसके अगले सिरे पर एक्रोसोमल ग्रेन्यूल के फॉर्म में यानी रूप में स्टोर्ड हो जाते हैं, राइट। तो यहां पर जो स्पर्मेटिड्स हैं, आपको पता है स्पर्मेटिड का सेल ही तो है यार, और सेल के अंदर क्या पाया जाता है, सेल के अंदर गॉल्गी बॉडी यानी सेल ऑर्गेनल्स पाया जाता है। तो यहां पर जो गॉल्गी बॉडी पाया जा रहा है स्पर्मेटिड के अंदर, हैप्लॉइड सेल के अंदर, तो जो गॉल्गी बॉडी है ये एक स्पेशल टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन करता है या सेक्रेशन करता है जो कि न्यूक्लियस के साथ में अटैच हो जाता है, जो कि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन ग्रेन्यूल्स होते हैं ये न्यूक्लियस के साथ में अटैच हो जाते हैं और ये न्यूक्लियस के साथ में हेड के एंटीरियर एंड पर क्या करते हैं, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल के रूप में स्टोर्ड हो जाते हैं। तो हेड में जो अटैच होंगे और अटैच होकर के ये हेड के एंटीरियर रीजन पर क्या होते हैं, स्टोर्ड रहते हैं सभी के सभी, और जब ये स्टोर्ड रहते हैं तो इनको हम बोलेंगे एक्रोसोमल ग्रेन्यूल, ठीक है। तो जितने भी एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स हैं ये सभी के सभी स्टोर्ड रहते हैं कहां पर, हेड रीजन के एंटीरियर एंड पर, इस बात को याद रखिएगा। चलो थर्ड पॉइंट लिख लीजिए यहां पर, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स कॉमा स्पर्मेटिड्स न्यूक्लियस के अगले पॉइंट पर या एंटीरियर एंड पर, आप जो भी लिखना चाहें लिख लें, एंटीरियर एंड पर एक कैप टोपी जिसको हम कह सकते हैं, जिसे
एक्रोसोम कहते हैं या एक्रोसोम कहते हैं, जिसे एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है, आगे लिखें, एक्रोसोम कहते हैं। यह एक्रोसोम कैप स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के समय। अब आप कहेंगे सर फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म को मतलब, अरे यार फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहने का अर्थ होता है यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट और कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट के मिलने की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहां पर मेल गैमीट क्या है, स्पर्म, और जब ये स्पर्म किससे मिलेगा, एग से फ्यूज होगा जाकर के। ठीक है, तो जब ये एग के साथ में फ्यूज होगा जाकर के, तो ये एक्रोसोम होता है, ये काफी सहायता प्रदान करता है स्पर्म को एग के अंदर एंट्री देने के लिए। ठीक है, तो लिख लीजिए, एक्रोसोम कैप स्पर्म के फर्टिलाइजेशन के समय डिफरेंट टाइप के स्पर्म लाइजिन एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं। अच्छा, ये जो स्पर्म लाइजिन एंजाइम है, ये कौन कौन से होते हैं, ये भी लिख लो यहां पर, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखा देना हूं, लिख लीजिए स्पर्म लाइजिन एंजाइम, जैसे कि यहां पर एक होगा हायलुरोनिडेज कॉमा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, मतलब ये कोरोना, वो वाला कोरोना नहीं जो आजकल चल रहा है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ठीक है, ये कुछ एंजाइम सेक्रेट होते हैं जो कि जो वॉल ऑफ ओवम होता है या एग होता है उसमें पेनिट्रेट करने में सहायता करते हैं। तो एक हो गया हायलुरोनिडेज कॉमा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, दैट मीन्स कोरोना जो लेयर पाई जा रही है ओवरी के अंदर, सॉरी ओवम के अंदर या एग के अंदर, उसको पेनिट्रेट करने में ये एंजाइम सहायता करेगा, इसलिए इसको कहा गया कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। एंड जोना लाइसिन, ये तीन प्रकार के एंजाइम सेक्रेट होते हैं जो कि स्पर्म को फ्यूज करने में सहायता प्रदान करते हैं एग के साथ। ठीक है, ठीक है, लिखा स्पर्म लाइसिन एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं या का सेक्रेशन करता है जो कि या जिसकी सहायता से, ऐसे लिख लें, जिसकी सहायता से यह स्पर्म को एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने में सहायता प्रदान करता है, या ऐसा लिख लें डिसॉल्व करके इंटर करने में सहायता प्रदान करता है। कहां इंटर करने में, एग के अंदर। तो आप जब मैं आगे पढ़ाऊंगा ओजेनेसिस और जब स्ट्रक्चर ऑफ एग पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं बताऊंगा कि यहां पर बहुत सारी लेयर पाई जा रही है एग के चारों तरफ। ठीक है, तो जो एग सेल है इसके चारों तरफ बहुत सारी लेयर पाई जा रही है, इन लेयर्स को भेदते हुए इस स्पर्म को अंदर जाना है, फतेह हासिल करनी है, समझ रहे हो। तो ऐसे ही नहीं स्पर्म एरा गेरा नथु खेरा आया और एग को फ्यूज कर दिया, फ्यूज वही स्पर्म करेगा जब सेम स्पीसीज का यहां पर क्या होगा, स्पर्म होगा। जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन के अंदर ह्यूमन का ही स्पर्म जाना चाहिए। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर आप फीमेल की बात करें तो फीमेल के एग के साथ में ह्यूमन स्पर्म ही फ्यूज कर सकता है, इसके अलावा अदरवाइज कोई अगर स्पर्म जाता है, लाइक डॉग का अगर चला जाता है, हॉर्स का जाता है, किसी का भी जाता है सपोज दैट, ठीक है, तो वो स्पर्म मार दिया जाएगा वहीं पर। ठीक है, क्योंकि यहां पर एग के चारों तरफ एक स्पेशल टाइप का एसिड भी सेक्रेट होता है, लेयर में एक एसिड भी पाया जाता है स्पेशल टाइप का, ठीक है, जिसको हम लोग
हायलुरोनिक एसिड कहते हैं, और इस हायलुरोनिक एसिड को डिसॉल्व करने की पावर कहां पाई जा रही है, मेल स्पर्म में पाई जा रही है, इन द फॉर्म ऑफ हायलुरोनिडेज एंजाइम। तो हायलुरोनिडेज एंजाइम क्या करता है, हायलुरोनिक एसिड के कंसंट्रेशन को कम करता है, जिससे ये अपने आप को सुरक्षा प्रदान कर लेता है। अब आपको पता है एसिड क्या करता है, वो तो मार ही देगा ना, ये तो एक लेंथी प्रोसेस है, 12th में आप लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के विषय में पढ़ा होगा। खैर, तो यहां पर क्या मैंने बताया, एंटर करने में सहायता करता है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए, यानी कि ये चेंजेस हुआ है किसके अंदर, स्पर्मेटिड में, तो स्पर्मेटिड के हेड में एक्रोसोम बन गया, राइट। फोर्थ पॉइंट लिख लो, प्रत्येक स्पर्मेटिड्स में टू सेंट्रियोल, ये भी इंपॉर्टेंट है, टू सेंट्रियोल पाए जाते हैं, दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं, जिसमें से एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल व एक डिजिटल सेंट्रियोल होता है, डिजिटल सेंट्रियोल होता है, ठीक है। आगे लिखें, जिसके द्वारा, यानी कि जो सेंट्रियोल यहां पर है इनके द्वारा क्या हो रहा है, जिसके द्वारा एक एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है, जो स्पर्म की टेल यानी पूंछ के फॉर्म में अरेंज रहता है, जो स्पर्म की टेल के फॉर्म में अरेंज रहता है। चलिए फिफ्थ पॉइंट लिख लीजिए, यहां पर पांचवा पॉइंट, स्पर्मेटिड्स में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर पाया जाता है, इसके जब मैं आपको पढ़ाऊंगा यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, तो वहां पर बताऊंगा कि स्पर्मेटिड में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किस रीजन में है, ठीक है। स्पर्मेटिड में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया, अब आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया स्पेशली एनर्जी को प्रोवाइड कराता है, एनर्जी बनता है इसमें, ग्लूकोज मेटाबोलिज्म किया जाता है, यानी कि ग्लूकोज का पहला पोर्शन जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में तोड़ा जाता है, देन बाकी का बचा हुआ भाग माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसको डिसॉल्व किया जाता है, रेस्पिरेशन कराया जाता है, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, तो ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी के अंतर्गत थर्ड पेपर में। तो क्या लिखा, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सियल फिलामेंट के अपर पार्ट, और एक बात, ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है ना, इस डिस्टल सेंट्रियोल से ही अटैच होकर के एक्सियल फिलामेंट निकलता है, तो एक्सियल फिलामेंट के अपर पार्ट, ठीक है, एक्सियल फिलामेंट के अपर पार्ट यानी कि ऊपरी भाग में स्थित रहता है, अरेंज रहता है, जिनके द्वारा स्पर्म के मिडिल पीस का फॉर्मेशन होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो अगर आप देखें जो स्पर्म होता है, इस स्पर्म में आपको एक हेड देखने को मिलेगा, हेड रीजन देखने को मिलेगा, हेड रीजन के साथ साथ इसमें एक छोटा सा नेक रीजन भी आपको देखने को मिलेगा, जहां पर डिस्टल और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो डिस्टल प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, तो इसके अपर एंड पर अगर ऊपर से आप देखें तो नीचे की ओर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया मतलब प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के नीचे और डिस्टल सेंट्रियोल के ऊपर पाया जाता है, जिसके कारण नेक के बाद में एक और रीजन बनता है, जिसको हम लोग मिडिल पीस कहते हैं। क्या कहते हैं, मिडिल पीस, और मिडिल पीस के बाद में टेल वाला रीजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मिडिल पीस के बाद में क्या होता है, टेल वाला रीजन स्टार्ट होता है। खैर,
एक और पॉइंट लिख लीजिए इसमें, नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं, स्पर्मेटोजिनेसिस की प्रोसेस में, स्पर्मेटोजिनेसिस के प्रोसेस में स्पर्मिएशन में होने वाले, या ऐसे लिख लें स्पर्मेट्रिड्स में होने वाले, सॉरी स्पर्मेट्रिड्स में होने वाले स्पर्मिएशन, तो हम ये कह सकते हैं रिलीजिंग ऑफ स्पर्म टू नर्स सेल से जब स्पर्म क्या होते हैं रिलीज होते, तो दिस प्रोसेस आल्सो कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। ठीक है, आगे लिखें, क्या लिखा, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में स्पर्मेटिड्स में होने वाले इन चेंजेस के बाद नॉन मोटाइल एंड नॉन फंक्शनल स्पर्मेटिड्स एक मोटाइल व फंक्शनल स्पर्मेटिड एक मोटाइल व फंक्शनल स्पर्म में, स्पर्म को हिंदी में कहते हैं शुक्राणु, ठीक है, और बहुत सारे स्पर्म आपस में मिलकर के क्या फॉर्मेशन करते हैं, सीमेन का फॉर्मेशन करते हैं, सीमेन बनाते हैं। तो स्पर्म में चेंज हो जाते हैं, स्पर्म में चेंज हो जाते हैं। तो बच्चों ये हमारा कंप्लीट होता है यहां पर स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं स्पर्मेटोलियोसिस, ये हमारा कंप्लीट होता है। देन इसके बाद में हमें पता है कि क्या बन गया, स्पर्म बन गया। अब ये जो स्पर्म यहां तक बना, इस स्पर्म में जितना भी प्रोसेस, यानी कि आप देख रहे हैं कि यहां पर एक सेल से ये क्या बन गया, स्पर्म बन गया, तो हम ये कह सकते हैं एक डिप्लॉइड जर्म सेल से क्या बन गया, एक फंक्शनल कॉमा मोटाइल क्या बन गया, स्पर्म गैमीट बन गया। एक नहीं बल्कि एक सेल से चार स्पर्म बनते हैं, ठीक है, वो आगे का प्रोसेस आगे देखेंगे। खैर, तो अभी हमने क्या समझा कि यहां से लेकर के यहां तक का जो चेंजेस हुआ वो सभी हम लोगों ने देख लिया। उस चेंजेस को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, कितने पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में। एक पार्ट हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, ठीक है, एक हम लोगों ने ये पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, पहला प्रोसेस पढ़ा, और दूसरा प्रोसेस जो हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा स्पर्मियोजिनेसिस, और स्पर्मियोजिनेसिस के बाद में होगा स्पर्मिएशन। तो जो स्पर्मिएशन है इसको बताने का लिखाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं स्पर्मिएशन क्या होता है, कि जब स्पर्मियोजेनेसिस होता है तो स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्म्स बन जाते हैं, लेकिन ये स्पर्म्स कहां पर अटैच रहते हैं, नर सेल्स में ही स्थित रहते हैं। नर सेल्स जो यहां पर पाई जा रही है, सटोरी सेल्स पाए जा रहे हैं, उसी में ये अटैच रहते हैं। जब स्पर्म रिलीज होता है, किससे रिलीज होता है, सटोरी सेल से, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। और बॉडी के बाहर अगर एजुकुलेट हो और सेमिनल वेसिकल में जाए तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इजेकुलेशन, ठीक है। फिलहाल ये प्रोसेस एक अलग अलग मेथड है, इनको समझने की आवश्यकता नहीं, फिलहाल आप इतना समझें कि जो प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग एक ग्राफ के रूप में समझ लेते हैं फटाफट। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा। अब स्पर्मेटोजेनेसिस जो पढ़ा, जो जो चेंजेस हुए, उन चेंजेस को हम लोग एक ग्राफ के अंतर्गत उतारेंगे पूरा यहां पर, और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और जो भी मैं ग्राफ यहां पर बना रहा हूं इसको आप कायदे से जब थ्योरी पढ़ोगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, मुझे पता है, पक्का पता है, अगर आपके पास कॉमन सेंस है थोड़ा सा। तो देखिए मैं यहां पर एक ग्राफ ड्रा कर रहा हूं। हम लोगों ने यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस को भी डिस्कस किया, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस में कुछ प्रोसेस यहां पर होते हैं, और स्पेशली जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ये होता कहां है, पहली बात तो हमारी ये जाती है। तो क्वेश्चन ये पुटअप होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया कहां होती है, तो आपका आंसर जाएगा सर स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया टेस्टिस के अंदर होती है।
अब अगर क्वेश्चन ये आए स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस के अंदर कहां होता है, भाई स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस के अंदर किस पार्ट में होता है, तो आप कहेंगे सर टेस्टिस में कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कंप्लीट होती है। अच्छा सर इतना समझ में आता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में कंप्लीट हो रही है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्यों कंप्लीट हो रही है, तो हमने जाना कि सर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में दो टाइप की क्या पाई जाती हैं, सेल्स पाई जाती हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में दो टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, जिसमें एक जो सेल होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल, राइट, प्रीमोर्डियल जर्म सेल। और जो एक कोशिका पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं नर्स सेल या सर्टोली सेल, नर्स सेल या सर्टोली सेल। तो यहां पर जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है और जो नर्स सेल है, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। इन दोनों का क्या होता है, बहुत बड़ा रोल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया को कराने के लिए। ठीक है, अब सर आप ये बताइए कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया होती कैसे है। तो मैंने थ्योरी लिखाई है ना, मैंने क्या लिखा है, थ्योरी लिखा है। अगर आप लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन इंटर में पढ़े होंगे तो वहां पर आपको ये प्रोसेस बताया गया होगा कि किस तरीके से यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया होती है। मैंने थ्योरी लिखाया हुआ है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर समझेंगे। ठीक है, डायग्रामेटिकली यहां पर समझने की आवश्यकता नहीं है, डायग्राम को बनाने की विशेष प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं, सिर्फ थ्योरेटिकल फॉर्म में आप समझ सकते हो। आपको इतना पता होना चाहिए कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया है, इस क्रिया को कराने के लिए जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रीट होता है, जो कि ये सेक्रीट होता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से ये जीएनआरएच निकलता है और ये जीएनआरएच हाइपोथैलेमस से जाएगा कहां, ये जीएनआरएच हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाएगा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर रीजन में। तो आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड में तीन पार्ट पाए जाते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मिडिल रीजन भी यहां पर पाया जाता है, वो फंक्शनल नहीं होता, नॉन फंक्शनल होता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो यहां पर जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो टाइप के हार्मोन सेक्रेट होते हैं, इसके कारण जीएनआरएच के कारण, जिसको हम लोग बोलते हैं एफएसएच एंड आरएच। एफएसएच को हम लोग बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और आरएच को हम लोग बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, एफएसएच और एलएच निकलता है, सॉरी आरएच नहीं, रिलीजिंग हार्मोन नहीं, एलएच। एलएच मतलब ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और जो एफएसएच है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है स्पर्मेटोजेनेसिस एज वेल एज ऊजेनेसिस के प्रोसेस में। तो ये तो एक अलग मैटर हो गया। अब यहां पर हमको समझना है कि जो प्रीमोडियल जर्म सेल है, राइट, इस प्रीमोडियल जर्म सेल्स के अंदर क्या चेंजेस होगा, है ना। तो जो प्रीमोडियल जर्म सेल्स हैं, इनके अंदर बहुत बार माइटोसिस डिवीजन होता है, और आपको पता है प्रीमोडियल जर्म सेल्स में यदि मेनी टाइम्स माइटोसिस डिवीजन हो रहा है तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है मल्टीप्लिकेशन फेज। तो ये वाला प्रोसेस क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेशन फेज। मैंने आपको बताया है कि मल्टीप्लिकेशन फेज क्या होता है, मैचुरेशन फेज क्या होता है, ग्रोथ फेज क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा कि प्रीमोडियल जर्म सेल्स के अंदर बहुत बार माइटोसिस, याद रखना माइटोसिस नॉट मियोसिस, माइटोसिस अर्धसूत्र विभाजन होता है, जिसके कारण बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और जो सेल्स यहां पर बनती हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। और जो स्पर्मेटोगोनिया यहां पर बनती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक यहां पर जो स्पर्मेटोगोनिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरा होता है यहां पर टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है सर, इसमें क्या कुछ डिफरेंट है टाइप ए और टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया में? अरे नहीं यार, कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। एक्चुअल में है क्या कि बहुत सारी सेल्स यहां पर बनी, तो यहां पर जो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया है ये फर्दर आगे कार्य नहीं करती है,
जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है ये क्या करते हैं, आगे मैचुरेशन या ग्रोथ कराती हैं। मतलब यहां पर मल्टीप्लीकेशन फेज हुआ ना, ये वाला जो फेज बोला जाएगा ये बोला जाएगा मल्टीप्लीकेशन फेज, राइट। ये मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या हो रहा है कि बहुत सारी सेल्स बन रही है, हमने यही तो थ्योरी में पढ़ा, बहुत सारी सेल्स बन रही है, लेकिन ये सेल्स बन किसके कारण है, माइटोसिस डिवीजन के कारण बन रही है। जब बहुत बार माइटोसिस डिवीजन होता है प्रीमोडियल जर्म सेल्स के अंदर, तो टाइप ए और टाइप बी टाइप की क्या बन जाती है, स्पर्मेटोगोनिया बन जाती है। तो सर एक बात बताइए, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया जो है, मैं अपने आप ही क्वेश्चन आप लोगों का ही पूछ रहा हूं, बता दे रहा हूं, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है ये फर्दर आगे चल करके क्या कराती है, ग्रोथ कराती है, और ग्रोथ करके ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो जाती है। ये किस में चेंज हो जाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स यहां पर बने हैं, इनका फर्दर आगे कार्रवाई की जाएगी इनके ऊपर, लेकिन उससे पहले हम लोग टाइप ए वाले स्पर्मेटोगोनिया की बात समझ लेते हैं। तो टाइप ए वाला स्पर्मेटोगोनिया कुछ नहीं करता है, जैसे ही टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ करा लेते हैं सारे के सारे, ये टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया चेंज हो जाते हैं टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया में। नहीं समझे, मतलब थोड़ा सा इनके अंदर ग्रोथ होना बाकी रहता है या कुछ चेंजेस होने बाकी रह जाते हैं, जिस कारण टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया फर्दर कार्य नहीं करता है। जैसे ही टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया सारे के सारे ग्रोथ करा जाते हैं, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया चेंज हो जाता है टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया में, और टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया अगेन क्या करा रहा है, ग्रोथ करा रहा है, और ग्रोथ करा करके क्या बना दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करा दिया। चलिए सर इतना समझ में आता है हमको, दिमाग में फंस गया कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। अब यहां पर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना और टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं ये टाइप बी वाला जो स्पर्मेटोगोनिया था छोटा था, लेकिन इसने ग्रोथ करके अपने साइज को इंक्रीज कर लिया। यही तो बात समझेंगे ना भाई, स्मॉल साइज के सेल ने ग्रोथ करके बड़ा बड़ा अपने आप को बना लिया, बड़ा आदमी बना लिया। जब यह बड़ा आदमी बन गया, जैसे ये बड़ा आदमी बनेगा, इसके अंदर होगा मियोसिस डिवीजन। तो यहां पर जो मियोसिस डिवीजन होगा वो मियोसिस फर्स्ट होगा। आपको पता है मियोसिस डिवीजन दो फेज में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन जब यहां पर होगा, तो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट होने पर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये चेंज हो जाएगा सेकेंडरी, है ना, सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया में। समझ में आया? तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया है ये मियोसिस फर्स्ट डिवीजन के दौरान बनता है, इस बात को याद रखना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये डिप्लॉयड है, अच्छा इसमें एक डिप्लॉयड हैप्लॉयड वाला भी अभी हम लोग समझेंगे। यहां पर पहले ये समझिए कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये फर्स्ट मियोसिस डिवीजन के बाद में चेंज हो जाए किसमें, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, इतना याद रखना। और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये मियोसिस सेकेंड के होने पर, मैं ऊपर बनाया दे रहा हूं आप नीचे बनाइएगा, मियोसिस सेकेंड के होने पर, मियोसिस सेकेंड के होने पर ये चेंज हो जाता है किसमें, स्पर्मेटिड में। तो यहां पर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सॉरी एक सेकेंड, आप थोड़ा सा चेंज हुआ, सॉरी स्पर्मेटोसाइट है ना, तो अरे यार तो स्पर्मेटोगोनिया क्या लिख रहा हूं, सॉरी यहां पर ये क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, स्पर्मेटोसाइट बनेगा, थोड़ा सा चेंज करिए यहां पर, ठीक है। थोड़ा सा तो थोड़ा मिस्टेक हुआ कि प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट है, जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया होता है ये डिवाइड ग्रोथ करके क्या बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होगा और यहीं से मल्टीप्लिकेशन फेज जो होगा अब मैचुरेशन फेज में चेंज हो जाएगा। तो पहला क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन फेज, जहां पर प्रीमोडियल जर्म सेल्स ने बहुत बार माइटोसिस डिवीजन किया, बहुत सारा सेल बना, ये सेल ग्रोथ किया, तो ये ग्रोथ फेज हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें मियोसिस डिवीजन होगा, दैट मींस यहां से अब जितना भी प्रोसेस आगे होगा वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, मतलब स्पर्मेटिड तक, सारा का सारा नहीं, स्पर्मेटिड तक जो भी प्रोसेस होगा ये कहलाएगा मैच्यूरेशन फेज। मैच्यूरेशन फेज यानी कि यहां पर मैच्यूरिटी आ रही है इन सेल्स के अंदर। तो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन से क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, राइट। अभी जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें मियोसिस सेकेंड होगा और मियोसिस सेकेंड होने से यहां पर फोर हैप्लॉइड, लिख लो, फोर हैप्लॉइड स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो जाता है। फोर हैप्लॉइड किसका फॉर्मेशन हो जाता है,
स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि आगे फर्दर एक प्रोसेस करेगा जिसको हम लोग बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस, और ये स्पर्म में चेंज होगा जाकर के। तो फोर हैप्लॉइड स्पर्मेटिड का यहां पर क्या हो गया बेटा, फॉर्मेशन हो गया, राइट? इतना समझ में आया? तो जो फोर हैप्लॉइड स्पर्मेटिड तक ये जितना भी फेज है, ये जितना भी प्रोसेस हुआ है, इसको हम लोग एक फेज में कन्वर्ट करेंगे, एक फेज में हम इसको रख सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। अब जैसे स्पर्मेटिड बनेगा, ये स्पर्मेटिड जाएंगे और नर्व सेल्स में क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। अब आपको पता है यहां पर नर्व सेल्स पाई जा रही है, इन नर्व सेल्स में ये स्पर्मेटिड क्या होते हैं बेटा, इस तरीके से अटैच हो जाते हैं। नर्व सेल्स जो पाई जा रही है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, इस तरीके से स्पर्मेटिड क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। अब इन स्पर्मेटिड में क्या होगा, बहुत सारा चेंजेस होगा इनमें, स्पेशली क्या चेंजेस होगा इनमें, मेनली हेड और टेल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो इनमें हेड रीजन कहां बन जाता है, नर्व सेल या सर्टोली सेल बनाती है, हेड रीजन बनाती है, देन उसके बाद में टेल का फॉर्मेशन कर देता है। तो पहले यहां पर क्या होगा, हेड बनेगा, फिर टेल का फॉर्मेशन हो जाता है, इसमें पुच्छ का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे यहां पर क्या है, स्पर्म्स बन गए। अब ये जो स्पर्मेटिड है, ये नर्व सेल्स या सर्टोली सेल्स में क्या बना देते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन कर देते हैं, स्पर्म्स बन जाते हैं। और ये जो प्रोसेस कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है, इसको हम लोग फेज टू में चेंज कर सकते हैं या फेज टू में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या हो रहा है कि जो स्पर्मेटिड है, इन स्पर्मेटिड को चेंज किया जा रहा है, किसमें, स्पर्म में। और कौन चेंज कर रहा है, सर नर्व सेल्स चेंज कर रही है ना, हाँ तो बिल्कुल, मैंने कब कहा कि नर्व सेल चेंज नहीं कर रही है, ठीक है। तो नर्व सेल्स यहां पर क्या कर रही है, चेंज कर रही है स्पर्मेटिड को स्पर्म्स में, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस बेटा हमारा कंप्लीट होता है, किसका, स्पर्मेटोजेनेसिस का, राइट। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ मेल स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, यानी कि जो इसकी संरचना, यानी कि जो मेल स्पर्म्स ये जो बने, ये मेल स्पर्म्स कैसे होते हैं, और जो इसका स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और शॉर्ट नोट में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस करेंगे कल।